देख सकते हैं आप मेरे पीछे काफ़ी सारी प्रतिमाएं हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी, मेरे को तो यहाँ आके एक अलग ही मजा टाइप का आया। बहुत ही प्यारी मुर्गियाँ भैया ने जो आकार दिए है और जो फेस है और शरीर का जो कलर है माता जी के और राक्षस वगैरह जो है, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही प्यारी प्रतिमाएं भैया बना रहे हैं यहाँ पे। और ये है भटेरा चौकी बालाघाट के नाके के पास की मुर्गियाँ और ये भैया का पंडाल है जिसमें इतनी सारी मुर्गियाँ हैं। ये पंडाल के नीचे में मुर्गियाँ बन रही है और भैया लोग से आइए बात करते हैं। मेरा नाम समीर विश्वास। कहाँ से हो भैया आप? भैया मैं बालाघाट में रहता हूँ और नंबर 2 पे। अच्छा अच्छा। खैर अपन तो वो बाहर का है पर अभी 10 साल हो गए अपन बस गए यहाँ बालाघाट में। तो यही मूर्ति बनाने का काम है? मूर्ति तो का काम ही। गणेश जी भी बनाए हो और उसके बाद में अपन कन्हैया से चालू करते हैं, कन्हैया गणेश जी अभी दुर्गा जी, उसके बाद फिर वही सीमेंट वाला काम रहता है। सीमेंट वाला काम बोले तो जैसे चौक में बड़े बड़े काम रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कन्हैया बंसी भाई बिरसा मुंडा है सर। अच्छा, चौक में जो सीमेंट की मूर्तियाँ बनती है वो भी आप ही बनाते हो? तो कितने साल से बना रहे हो भैया आप? मैं तो अभी हो गया मेरा कम से कम 20-21 साल हो गया। 20-21 साल हो गया। और ये क्या बना रहे हो अभी आप? ये सब क्या अभी ये माता जी का सब जेवर बन रहा है। अच्छा, जेवर बन रहा है। अभी 2 दिन बाकी है और काफ़ी काम बाकी है और काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं आपके पास। क्या बताऊँ, पानी में अपने को पूरा वो लगा दिए। अच्छा अच्छा। पानी का कारण थोड़ा सा काम लेट चल रहा है सर। नहीं, बाकी हम काफ़ी जगह से दूसरी जगह से भी आए हैं तो उनका इतना काम भी नहीं हुआ जितना आपका हो गया है। और अपने पास थोड़ा सा वर्कर ज़्यादा भी है और थोड़ा अच्छा है कलाकार सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी कारण थोड़ा काम, और अपन का गिने चुने थोड़ा दिए, ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं लिए, अपने हिसाब से ऑर्डर लिए जितने अपन दे पाए तुरंत में, जितना अपन दे पाते उतना। और आप कलाकारी देख रहा हूँ मैं, बहुत ही प्यारे अपने, बिल्कुल चाहे राक्षस का फेस हो गया, शेर का हो गया और माता जी का हो गया। आपके हाथ से बनी हुई है सब? बना लेते उसको बाद काचा बनाया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चेहरा तो काचा नहीं रहता, चेहरा का चेहरा तो सब हाथ से। अच्छा अच्छा। बाकी हाँ, फिर ये राक्षस का फेस अलग हो गया। काचा बनाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सारा बनता है करके। हाँ, और ये फिर ये राक्षस का फेस अलग हो गया, ये सब हाथ वाला है। भैंसे की मुंडी है। अच्छा अच्छा। कहाँ की माता जी है? कहाँ की? ये नाका आस्था मंगल भवन। अच्छा, आस्था मंगल भवन की। बहुत बढ़िया, काफी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे। कब से काम चल रहा है भैया आप लोग का, कब से बना रहे हो आप? दुर्गा जी के बाद से गणेश जी, ये नहीं गणेश जी का बाद से अपन दुर्गा जी चालू करे। अच्छा अच्छा, पहले गणेश जी बना रहे थे आप लोग? बहुत बढ़िया। बंदर का मुंह लाल कर दी क्या भैया? ये हमारे भैया कलर करते हुए बंदर को। पेड़ वगैरह है मतलब, ये कहाँ की मूर्ति भी है? अच्छा, बूढ़ी आईटीआई की। अच्छा अच्छा। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग जो दी हो ना आपने, एक नंबर। तो शेर के मुंह में घुस गया इसका सर, तो राक्षस का दबाया तो निपट ही जाएगा। क्या बोले भैया? गुस्से में दबा रहा है। ये एक और प्रतिमा है जिसमें फेस ढाक दिया गया है। क्या यहाँ पे पेंट वगैरह हो रहा है तो पूरा कवर रखना पड़ता है, फेस ही मेन रहता है क्योंकि। और उसी के जस्ट बाजू में काली जी बन रही है, इसमें भोलेनाथ जी। एक और अब काफी सारी मूर्तियां हैं और काफी अच्छी अच्छी। अब इस मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा पाऊँ। ये पूरी वाइट मूर्ति जो फिनिशिंग हो रही है पूरी, अभी लगता है इसमें पेंट करना बाकी है। अरे वो बेरो ना आप।
इंडिया के हाथ में तो बिल्कुल जादू है, और एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप सभी लोगों के, चाहे वो राक्षस हो, शेर हो और माता जी का फेस हो। मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया इनका फेस। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा फेस है माता जी का। और भैया ने हमारे लिए फेस खोल दिया है। अच्छा अच्छा, विष्णु भगवान के रूप। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गर्रा चौक की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।